कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। बेटे तुमने सफदर खान का नाम सुना है? अरे वाह वाह वाह, उन्हें कौन नहीं जानता। तुम चुप रहो। ये ठीक ही तो कह रहे हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। उन्हीं का नाम लेकर तो मैं अखाड़े में उतरता हूं। मैंने उन्हें कभी देखा तो नहीं, लेकिन मन ही मन में उन्हें गुरु मान चुका हूं। अरे वाह पहलवान वाह, तब तो तुमने घर बैठे गंगा नहा ली। बेटे वो सफदर मैं ही हूं। उस्ताद बेटे, मैं तुम्हें अपना खास शागिर्द बनाना चाहता हूं, और इसके लिए तुम्हें मेरे गांव में मेरे पास चलकर रहना होगा, ताकि मेरी नजर के सामने तुम्हारी पूरी तालीम हो सके, तुम अखाड़े की पूरी तालीम हासिल कर सको। बोलो तैयार हो? इसमें पूछने की क्या बात है उस्ताद, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। क्या हो उस्ताद, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। जानता हूं आप क्या पूछना चाहते हैं। यही है कि मैंने शंकर को क्यों अपनी शागिर्दी में कबूल किया और क्यों इस तरह उसकी तारीफ में दिन रात मेहनत कर रहा। ठीक है उस्ताद, क्या आप हम में से किसी को इस काबिल नहीं समझते कि अपना खास शागिर्द बना। फजलदीन सीने पर हाथ रखकर कहो कि तुम में से एक में भी सलाहियत मौजूद है जो शंकर में है। ये तो ठीक है उस्ताद, मगर जरा ये तो सोचिए कि शंकर। रहमतुल्ला, अपना जुमला पूरा करने की कोशिश मत करना, एक नापाक ख्याल है तुम्हारे दिमाग में उभरा है। फजलदीन आज हानी महात्मा गांधी कहा करते थे, हिंदू और मुसलमान मेरी दो आंखें। मैं कहता हूं हिंदू और मुसलमान मेरे दो बाजू हैं, जिनमें से एक को भी मैं किसी कीमत पर अपने जिस्म से अलग नहीं कर सकता। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। अब आप लोग जा सकते हैं। वालेकुम। दिगार पूरी इंसानियत को अपनी पनाह में ले ले, हम पर अपनी रहमतें नाजल कर। या रब्बुल आलमीन हमारे जिस्म और जान को नेकी के रास्ते पर खत्म कर। आका करीम मेरे शागिर्द अजीज बिरजू को रुस्तम जमान के मुकाबले में कामयाब कर। आमीन। चंदन तेरी घोड़ी चले के खेत में, चंदन तेरी घोड़ी चले के खेत में। शहीदादे में नमाज पढ़ रहा हूँ और तू चंदन की घोड़ी को चले गया तो भेज रहा है। गलती हो गया, बगल में वापस बुला लेता हूँ। सामान भागा के नहीं जी? बिल्कुल बिल्कुल, बस मुझे अपना सामान भागना है, बाकी सब तैयारी है। जल्दी करो जल्दी करो, तैयारी का वक्त हो रहा। मालिक ए मालिक मालिक, जाके लाला जी को खबर करो कि उनके मेहमान आए। मेहमान कहाँ से आए? और वो ये सब तुम क्यों पूछते हो? जाके खबर करो। मैं सामान भी आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। कहते हैं दादाजी कहते हैं बहुत अच्छी मालिक, मालिक खान साहब आए। मालिक आइए।
चंदन तेरी घोड़ी चले के खेत में। देखती आंखों में बिजली लड़ा उठी और दिल में कुछ उथल पुथल होने लगी। और आप किस जन्म से तशरीफ ला रहे हैं जी? अली बात जाते हो तो बस हमारे घर तक। अब देखो ना, आप पूरे दस साल में पूरा दिखाई ना भाई साहब। वो भी हमारे लिए थोड़ी आए, अपने बिरजू के लिए आए। कोई मुझे भी तो कुछ कहने रहे दो भाभी जी। सच्ची बात है, बूढ़ा हो गया हूँ। अब सारे गांव के बच्चे शागिर्द हो गए, सबको दिखाना पड़ता है। और फिर खेती की भी देखभाल तो करनी होती। एक लड़का है, वो भी देहात वाला है, क्या कहूँ मैं। मेरे अब्बा जी। जाइए जी। कौन हो गया? तुम भाई बड़ा इशारा है, डर लगता है। बहुत बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है। लड्डन जी, मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, मुझे गलती हो गई। मैं आपसे चल रहा हूँ। आपका क्या बात है जी? तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। बैठो बात क्या है? अरे कुछ नहीं भाई, मैं दाल में घास छील रहा था, साहब आए मुझे मालिक समझ के रोक खाना शुरू कर दिया। कुछ नहीं, प्लीज ये जो सीधा करता हूँ ये बच्ची कौन है? नहीं पता ना। अरे भाई ये अपने करामत में की बेटी माशाल्लाह बड़ी हो गई। तीरा बेटी, तीरा बड़ी हो गई है भाई। सर ये हमारे घर का चलता फिरता रेडियो है। कहाँ हो रही है, क्या हाल है? रॉकेट चार्ज भी छोड़ा गया, एटम बॉम्ब का तजुर्बा जिसने ले लिया, सारी सारी खबर। वाह 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 बेटी, तो जरा हमें बता दो हमारे बिरजू की कोई खबर सुनी हो तो। वो तमाम कुश्तियाँ जीत गए। अच्छा, तो सेमीफाइनल है और फिर परसों आखिरी कुश्ती होगी। भाई दुआ कीजिए भाई साहब, अरे भाई साहब कि ये आखिरी मैदान भी उसी के हाथ है। आमीन आमीन। जो मरना है, देखिए देखिए भाई साहब, ये इसी उम्र में बड़ा और वो दुनिया भर की खबरों से मालूम। तू जा और ये नाना है कितना नहीं जानता, घर की कुर्बियाँ कितनी। मुझे चोरी हो जाती है। नीता जो कुछ तुम चाहती हो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं दौलत के लिए अपने आप को नहीं बेच सकता। चाली एक बार फिर से क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बिल्कुल आखिरी फैसला। नीता भी कहीं है, मेरे ख्याल से आखिरी होगी। बात तो वैसे तय हो चुकी है। मैंने लाख कोशिश की, हर तरह से समझाया, लेकिन वो किसी तैयार कर भी सौदे के लिए तैयार नहीं। फिर अब क्या होगा बेटा? लेकिन तुम्हारे यकीन दिलाने में ये सौदा तय किया है, अभी मिस्टर साइमन आते ही होंगे। वो मुझे डोल बनी, तुम एडवांस ले लो और समझे सौदा तय हो चुका। हेलो मिस्टर साइमन, मेक माय फ्रेंड मिस नीता। मिस्टर साइमन, प्लीज टू मीट यू। एक्सक्यूज मी, इट्स राइट मिस्टर साइमन, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। व्हाट इज डन? माय रेसलर हैज एक्सेप्टेड योर ऑफर। Good. Here's the check. Thank you very much. Good luck. So to you. Come on, let's see. What would you like to hire? This means the war. What? Let's see. Thank you, Vijay. मेरी कामयाबी की दुआ की है। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ Thank you.
now take you over to the wrestling stadium for a running commentary of the World Championship Freestyle Wrestling. लीजिए हिंदुस्तानी पहलवान बिरजू ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहले ही राउंड में अपने हरीफ पहलवान को पछाड़ दिया। चंदन तेरी घोड़ी चने के खेत में चंदन लगी समझल बने खुदा को याद करने का बच्चा है नहीं साहब गधा है। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है ब्लैक टाइगर का पलड़ा भारी होता जा रहा है। फ्री स्टाइल कुश्तियों में वर्ल्ड चैंपियनशिप के मुकाबले का यह आंकड़े का हाल आप लंदन से सुन रहे हैं। आखिरी राउंड जारी है, वक्त काफी गुजरता जा रहा है मगर हिंदुस्तानी पहलवान अभी तक अपनी खोई हुई पोजीशन पर वापस नहीं आ सका। वर्ल्ड चैंपियनशिप के तीसरे और आखिरी राउंड में हिंदुस्तानी पहलवान बिरजू अपने हरीफ ब्लैक टाइगर से हार गया। नीता तुमने तो कमाल कर दिखाया, जैसे कहा था वैसे ही किया। लेकिन तुम्हें भी अपना वादा पूरा करना होगा। वादा? हाँ, मेरे भाई रॉकी के साथ सीमा की शादी। ओ शूर सडनली भाई, इस शादी के बाद ही तो सीमा की इतनी बड़ी जायदाद से हाथ साफ कर सकेंगे। ओह माय डियर सिस्टर। प्रोग्राम आपने बात की है कि मैं लंदन में लड़कियों को कबड्डी और लड़कों को गिल करना सिखा रहा हूँ। वेरी बिग बुक कॉलेज। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों हिंदुस्तानी गेम बहुत साइंटिफिक तरीके से खेले जा सकते हैं। मेरे ख्याल से तुम एक परफेक्ट कैरेक्टर हो भाई। और सीमा को तुमसे बेहतर शहर नहीं मिल सकता। Oh, Uncle, you are so sweet. Sister, he is very great. टिकट का क्या हुआ है? What ticket? London to Bombay. कल हम लोग हिंदुस्तान के लिए एयर इंडिया से उड़ कर जा रहे हैं। बट अंकल प्लीज यू इन्फॉर्म दैट। Thank you.
वर्मा जी का केबल और वर्मा जी के साथ कोई रॉकी भी लंदन से आ रहे, इनके उद्भी हस्बैंड। अच्छा फिरोजा, ये क्या चक्कर है? चक्कर? ये तो कोई चक्कर नहीं, चक्कर तो अब चलेगा। तेरे वुडबी को मैं वो बेवकूफ बनाऊंगी कि वो तुझसे शादी करना ही भूल जाएगा। तुम इधर बैठो, मैं सीमा देवी को बेचते हैं। हरियप हरियप। वेयर इज माय म्यूजिक? ओ म्यूजिक, ओ माय सोडा एंड व्हिस्की, ओ माय डियर लिटिल क्वीन ऑफ ब्यूटी, आई परफॉर्म माय ड्यूटी। जैसा सुना था उससे ज्यादा पाया। सो यू आर माई वुडी, ओ माई डार्लिंग। आई सी द ग्रेट मिसअंडरस्टैंडिंग, यू आर ऑल्सो ब्यूटिफुल। सो यू आर माई वुडी। मैं मतलब ये कि मैं अभी तारा तारा लंदन से इंपोर्ट होकर आया हूँ मिस्टर वर्मा के साथ बाई प्लेन। यानी कि मिस्टर वर्मा की भतीजी का होने वाला वुड बी, यानी कि आपका हस्बैंड। व्हाट इज इट? आई एम नॉट अ स्लेव, आई एम ग्रेट रॉकी द जॉकी। आप रॉकी हो या जॉकी? पहले ये बताइए
रखी, सीमा से मिलने के पहले आपने बीमा करवाया? Oh, you mean that insurance? Oh, sure, why not? Please call that Indian beauty, the great Ajanta art. Please call her. अच्छा, तो रखिए एक हाथ अपने सर पर, ओके, और दूसरा हाथ दिल पर, हार्ट, अभी बुलाती हूँ, प्लीज कॉल मत, सीमा, सीमा, मेरे पास मेरा बुद्धि आए हैं, ये नहीं, रत्ना है रत्ना, हमारी कुक यानी खाना पकाने वाली। रत्ना सीमा बेटी, सीमा बेटी, सीमा। हेलो अंकल, आप कब आए? हेलो इंडियन डॉल, अरे जोकर कौन है? हाँ आओ बेटा आओ। मुस्वाती, ये है मेरी भतीजी सीमा। Are you sure she is Seema? I am confused. Seema, this is Mr. Rai Kishan Rocky. It is a very interesting part. I have chosen you for your sake. What? This means that I have booked you. I am your bookie. Okay, brother, you sit down. I will come now. Oh, thank you, Mr. Warman. Have a seat, please. Sit. We'll have some little chit-chat. My teeth are very weak, madam. Oh, my God. What is this? पागल है पागल, दौरा पड़ गया है क्या? ये गर्दन दबाई, तुम भी अरे ना मिस्टर वुडी, अरे वाट मिस्टर वुडी, नाउ द क्वेश्चन इज टू बी और नॉट टू बी। अबे भागो मैडम, कमर कमर मार जी, बम्बे आ चुका है। अच्छा राजू है, बिरजू लौट आया है, लेकिन अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? हाँ चाचा जी, बिरजू भैया लौट आए हैं और होटल रिमलैंड में चले। होटल रिमलैंड में? ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ बेटी? मैं सुबह सीमा के साथ थी, उसके अंकल मिस्टर वर्मा थे आ गए, उन्हीं से मालूम हुआ। बहुत बुरा हुआ, ये वर्मा से बिरजू का मेल कैसे हुआ? ये वर्मा कौन है लाला जी? भाई वो एक रेसलिंग प्रमोटर है, कुश्तियों पे पैसे लगाता है, लेकिन बड़ा नीच है। उसने अपने एक अजीज दोस्त को कत्ल के जुर्म में फंसाया, वो बेचारा पुलिस के डर से भागा भागा फिरता है, और ये कमख्त उसकी जायदाद पर हाथ साफ करा। खैर मैं अभी बिरजू को लेकर आता हूँ। नहीं आप रुकिए लाला जी, मैं चलता हूँ, शर्म तुम्हारे मुंह छुपाए बैठा होगा, मैं कुछ काल तो लाकर घर ले आऊंगा। मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि मैं अपने उस्ताद को कैसे मुंह दिखाऊंगा। हमें छोड़ो यार, कहां का दुख कैसा गम, पहलवानों की जिंदगी में हार जीत तो लगी ही रहती है, भाई आज हारे हो तो जीत भी सकते हो, क्यों धनराज? हाँ हाँ, वर्मा साहब ठीक कहते हैं, गिरते हैं शह सवार ही मैदान चल। राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो बिरजू फिर इसी बात पर एक पटेला पे भेजे, लो भर दो गिलास महाराज, अब यही तो एक मेरे गमों का सहारा रह गया है। लानत है मुझ पर, अगर उस्ताद ने शराब पीता हुआ देखें तो मेरा
खून पी जाए। मैंने कभी ख्वाब में भी न सोचा था कि जिंदगी में मेरा दामन तेरे हाथों शराब से भीगेगा। काश तुम्हें मेरे से खून जुल्म हो दिया हो। इस कदर गुस्से की क्या जरूरत है उस्ताद, तशरीफ रखिए बैठिए। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो तुम ही वो नीच इंसान हो जिसका नाम वर्मा है। ठीक है, लेकिन आपने मुझे नीच कहा उस्ताद, ये बात गलत है। मैं बहुत ऊंचा इंसान हूं, बहुत ग्रेट, यानी कि बहुत ही बुलंद इंसान हूं। इतना बुलंद बस्तियों को भी शर्म आ जाए। अब मेरे बुजुर्गवार, आपका गुस्सा बजा है, लेकिन एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि आपसे फिर पहलवान है, बिजनेसमैन नहीं। अब फर्ज कीजिए बिरजू ये वर्ल्ड चैंपियनशिप की कुश्ती अगर जीत भी जाता तो उसे क्या मिलता? 2 तोले का एक अकील सा तमगा जिसे बेचकर 2 वक्त का खाना भी नहीं खाया जा सकता। और उसके बरक्स उसके हारने की कीमत, ये आवाज जिसके सामने दुनिया की हर जबान खामोश हो जाती है। ज़ालिमों, तुमने ये क्या किया? पैसे लेकर बिरजू को हरवा दिया। अरे बिरजू बिरजू नहीं था, मेरी मेहनत थी, लाला जी की मोहब्बत थी और हिंदुस्तान के 40 करोड़ इंसानों की इज्जत थी जिसे तुम लोगों ने चांदी के चक्करों के लिए दुनिया के बाजारों में नीलाम करवा दिया। उस्ताद, ये आपके गांव का अखाड़ा नहीं है, बंबई का एक आलीशान होटल है, यहाँ आप चीख चीख कर हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते। और तुमने जो मेरी पगड़ी उछाली है उसकी फरियाद लेकर किसके पास जाओ? मैं यहां आया था बिरजू को दूल्हा बनाकर गांव ले जाऊंगा, लेकिन अब मैं अपने अरमानों का जलाना लेकर जा रहा हूं। ठीक है, आप जा सकते हैं। याद रखो वर्मा, एक दिन मैं फिर तेरे सामने आऊंगा और रब्बुल इज्जत की कसम, अब उस रोज तुम्हारे सामने आऊंगा जब मेरे साथ दूसरा बिरजू होगा, जब तुम्हारे इस बिरजू से शेर हिंद का मुकद्दस गायब लड़कर छीन लेगा, और उसके बाद मादर वतन के माथे पर से ये काला दाग हमेशा के लिए धो डालेगा। बिरजू, 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 मैं जा रहा हूं, अब जी खोल के रंगरलियां मना ले। तो मेरे तेरा उस्ताद मर गया, तेरा उस्ताद मर गया, ये चुप्पिया घबराने की कोई बात नहीं लाला जी, मामूली सा दौरा है, कभी आराम न करने की सूरत में बात बिगड़ भी जाती है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं कोई बात नहीं, एक बात की कोशिश की जाए कि ये कभी एक्साइट ना हो, इस पर गुस्सा न करें। अच्छा, आप किसी को भेज दीजिए, मैं अभी दवाई भिजवा देता हूं। जी कहा डॉक्टर ने? उनका दिल बहुत कमजोर हो गया है। नहीं लाला जी, नहीं भाभी, घबराओ नहीं, मेरा दिल मेरे इरादों की तरह मजबूत है। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। हाँ लाला जी, डॉक्टर, डॉक्टर इस वक्त आराम करने के लिए कह रहा है, जब मुझ पर आराम हराम हो चुका है। लाला जी, मैं शहर शहर जाऊंगा,
गांव भटकूंगा और उस वक्त चैन न लूंगा जब तक एक ऐसा नौजवान न तलाश कर लूं तो मेरा शागिर्द बनकर बिरजू के मुकाबले में खड़ा हो जाए। तुम ठीक कह रहे हो सत्तर, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल सही है। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम बड़े जिद्दी हो, तुम्हारी हर बात पत्थर की लकीर होती है। अगर तुम जाना चाहो तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक वादा करना होगा। कहिए। जब वो नौजवान तुम्हें मिल जाए तो तुम सीधे उसे लेकर नहीं आ जाओगे। तुम्हारे शागिर्द की तालीम और तुम्हारी देखभाल यही होगी मेरी आंखों के सामने। मैं वादा करता हूं। अरे पगली, नहाने से पहले ही तो खाया जाता है। जा तू खा ले, मैं काम करके खा लूंगा। आज बात क्या है श्यामली, भैया की इतनी सेवा की जा रही है, कुछ तो जरूर है। कुछ तो जरूर है श्यामली, आज भैया से खाने को पूछा जा रहा है, नहाने को कहा जा रहा है और भैया का पसीना भी पूछा जा रहा है। बता ना श्यामली, आखिर बात क्या है? क्या भैया, सब मेले में जा रहे हैं, तुम मुझे नहीं लेके चलोगे? पकड़ लिए ना चोर,
मैं तो पहले समझ गया था कि जब भी तू मेरा पसीना पोछती है तो मेरी खाल खींचने वाली बात होती है। भैया। मेरी लाडो पहले नहाते हैं, फिर खाना खाते हैं और मेले में जाते हैं। चलो के देखा मेरी छुट्टी हो गई, तूने मुस्कुरा के देखा मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई कि मेरी छुट्टी हो गई, जान किस अदा से देखा मेरी छुट्टी हो गई। भाला तूने दिल पे डाका डाला, कब का बदला ये निकाला, तूने खुद ही की मिठाई पकड़ कर मेरी कलाई, मुझसे अखियां क्यों मिलाई, मैंने जब नजर लड़ाई मेरी छुट्टी हो गई, मैंने जब नजर लड़ाई मेरी छुट्टी हो गई, तूने मुस्कुरा के देखा मेरी छुट्टी हो गई। काली जुल्फ वाली तेरी हर अदा निराली, तेरी अखियां मद की प्याली, मैं तो जब मैं जाके हंसती हल्की हल्की एक मस्ती मेरे नैनों से छलकती, ऐसी आंखों से बिलाई मेरी छुट्टी हो गई, ऐसी आंखों से बिलाई मेरी छुट्टी हो गई, तूने मुस्कुरा के देखा मेरी छुट्टी हो गई। मियां बीवी राज तो फिर क्या करेगा काजी, हमने जीत ली है बाजी, अपनी हो गई सगाई सबकी छुट्टी हो गई, अपनी हो गई सगाई सबकी छुट्टी हो गई, जाने किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई।
नीला देखना है हार लार और तेरी की लग गई है हाँ मेरा हार ले पहन शामली उन दसा की लग दी और दस है तीसरा घर वो नुक्कड़ वाला शुक्रिया शामली लिख चाचा नेहरू बहुत बड़े आदमी थे चाचा नेहरू बहुत बड़े आदमी थे उनके दिल में बच्चों के लिए बहुत प्यार था अरे लिख उनके दिल में बच्चों के लिए बहुत प्यार था क्यों भाई शंकर पहलवान का घर यही है पहलवान नहीं शंकर का घर यही है नमस्ते पहलवान भी बन जाओगे बेटे आइए आइए अरे बुद्धू बैठिए नमस्ते नमस्ते बेटी जीती रहो जीती रहो अरे मालिक कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ बेटे तुमने सफदर खान का नाम सुना है अरे वाह 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 उन्हें कौन नहीं जानता तुम चुप रहो ये ठीक ही तो कह रहे हैं उन्हें कौन नहीं जानता उन्हीं का नाम लेकर तो मैं अखाड़े में उतरता हूँ मैंने उन्हें कभी देखा तो नहीं लेकिन मन ही मन में उन्हें गुरु मान चुका हूँ अरे वाह पहलवान वाह तब तक तुमने घर बैठे गंगा नहा ली बेटे वो सफदर मैं ही हूँ उस्ताद माँ यह है मेरे उस्ताद सफदर खान सलाम बहन जी अच्छा माँ बैठो बेटे बेटे मैं तुम्हें अपना खास शागिर्द बनाना चाहता हूँ और इसके लिए तुम्हें मेरे गांव में मेरे पास चलकर रहना होगा ताकि मेरी नजर के सामने तुम्हारी पूरी तालीम हो सके तुम अखाड़े की पूरी तालीम हासिल कर सको बोलो तैयार हो इसमें पूछने की क्या बात है उस्ताद ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी और मेरी भी मेरी भी क्या कर रहे हो अरे
अरे लड्डन रुकी साहब लड्डन भाई तो आया बोलो कुछ बात नहीं आइए 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 लड्डन मियां क्या हाल है पहले तो बहुत अच्छा हाल था हाथ पड़ते ही बदल गया जरा देख समझ के मारा कीजिए पहलवान जी मैं जरा सिंगल आदमी हूँ सिंगल पति क्या हो साहब हम आपसे कुछ पूछने आए हैं मैं जानता हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं यही कि मैंने शंकर को क्यों अपनी शागिर्दी में कबूल किया और क्यों इस तरह उसकी तारीफ में दिन रात मेहनत कर रहा हूँ ठीक है उस्ताद क्या आप हम में से किसी को इस काबिल नहीं समझते कि अपना खास शागिर्द बना फजलुद्दीन सीने पर हाथ रखकर कहो कि तुम में से एक में भी सलाहियत मौजूद है जो शंकर में है ये तो ठीक है उस्ताद मगर जरा ये तो सोचिए कि शंकर रहमतुल्ला अपना जुमला पूरा करने की कोशिश मत करना एक नापाक ख्याल है तुम्हारे दिमाग में उभरा फजलुद्दीन आज हानि महात्मा गांधी कहा करते थे हिंदू और मुसलमान मेरी दो आंखें मैं कहता हूं हिंदू और मुसलमान मेरे दो बाजू हैं जिनमें से एक को भी मैं किसी कीमत पर प्रतिष्ठा से अलग नहीं कर सकता मेरे लिए दोनों बराबर हैं अब आप लोग जा सकते हैं अस्सलाम वालेकुम माता जी उस्ताद सफदर ने रात दिन मेहनत करके हिंदुस्तानी कुश्तियों के बहुत सारे दाव पेश सिखा दिए अब वो मुझे बंबई लिए जा रहे हैं जहां मैं फ्री स्टाइल कुश्तियां सीखूंगा उस्ताद ने मुझे इजाजत दी है कि मैं तुमको और श्यामली को भी बंबई ले जाऊं तुम्हें पैरी पोना और श्यामली को प्यार तुम्हारा शंकर माता जी हम बंबई जाएंगे हां हां बेटी जरूर जाएंगे ओ ओ ओ समझ आगे ये है नौजवान नमस्ते मैंने तो देखते ही पहचान लिया ना वाह सफदर तुम्हारी पसंद की दाद देनी पड़ेगी बहुत बहुत झूमे थे मुझे पूरा यकीन है कि हमारा शंकर रिश्ते में जमा जरूर पड़ेगा आमीन आमीन भगवान ऐसा ही करेगा आप क्यों में घी भाभी आइए आइए मिली ये है शंकर की माता जी और ये है हमारी छोटी शामली शंकर की बहन अच्छा बड़ी दड़गट मिली आई अच्छा देखो तुम लोग खाने का इंतजाम करो मैं अपना इंतजाम ले जाता हूँ क्या वो क्या है अब आइए देखिए ना आइए तुम भी अच्छा पहलवान है इनके साथ में वर्जिश करेंगे हमें अमेरिकन डॉलर चाहिए हेलो मुझे कुछ रुपए चाहिए हाँ हाँ क्यों कितने रुपए चाहिए 500 मैं 500 से क्या होगा कल से 2000 रुपए का चेक लिख के रखा है तुम्हारे लिए ये लो लक्ष्मण नीता कहाँ गई नीता मैं आ गई अरे भाई कहाँ चली गई थी तुम कहीं नहीं ऐसी जरा तफरी को निकल गई थी हाँ आज तुम सबके लिए मेरे पास एक अजीब खबर है वो ये है उस्ताद सफदर खान किसी आदमी को पकड़कर बंबई लाए और इनसे मुकाबले के लिए रात और दिन उसे ट्रेन किया जा रहा है ओह कौन है वो आदमी कौन है वो आदमी ये तो मैं नहीं जानती उसका नाम शंकर है और उस्ताद का ये कहना है कि शंकर हमारे बिरजू से शेर हिंद का टाइटल छीन कर रहेगा बिरजू से टाइटल छीन कर रहेगा बिरजू से टाइटल छीनने वाला भी पैदा ही नहीं हुआ चलो नीता कहा गेलो जी नहीं नटराज मैटर सीम्स टू बी वेरी सीरियस गंगराज ये उस्ताद सफदर मालूम नहीं किसको पकड़ लाए यू डोंट वरी वर्मा
मैं इस बात की इंक्वायरी करूंगा शंकर कौन है और कितने पानी में है। आई विल सी टू इट। सरकार की सवारी कहाँ जा रही है? सीमा के घर। अच्छा, आज जू पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सोचा सीमा को लेके जू की सैर हो जाए। अच्छा मैं जाऊँ। दादा दादा अपने मुकद्दर में अब्बा जी का पाटा, वो तो बता पाटा। क्या जिंदगी है, और तो जू पे ठंडी ठंडी हवा खाए और मर्द बैठ के यहाँ पे बादाम फूटे। शंकर भैया, ओ शंकर भैया, शंकर भैया, शंकर भैया, शंकर भैया, शंकर भैया, शंकर भैया, क्या बात है लगन? तेरे घबराए हुए हो? नहीं शंकर भैया, घबराया तो ना मैं, इस रास्ते में मर जाऊंगा। मेरी बात सुनो शंकर भैया, मैंने तरकीब सोची। क्या तरकीब? वो तरकीब ये, अगर मान लिया तो हम लोगों की जिंदगी बन जाए। अरे कुछ बोल भी। शंकर भैया बादाम घोटते घोटते मेरे अंदर अंदर ढीले हो गए और दंड पेलते पेलते तुम्हें पसीने छूटने लगे। मेरी बात मानो, हम लोग यहाँ से कहीं जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सीटें बनाएंगे, मगर घर चक्कर यहाँ से निकलेंगे कैसे? निकलेंगे, मैंने चक्कर चला लिया। बोले जरा मंडी में चेक करो। बैठो। कौन है ये फिरोजा है? घोटा है सारे बादाम। क्या करती हो तुम? क्यों अपने सहेली के सामने मेरी बेइज्जती करती हो? कोई और बात करो। ये है सीमा मेरी सहेली, ये शंकर भैया उस्ताद की नई शागिर्द। नमस्ते। नमस्ते। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मारे हैं क्या हुआ? कुछ नहीं, बात ये है कि जब किसी लड़की को किसी मर्द से मिलकर खुशी होती है ना, तो उसका मतलब तू समझा दे। मैं समझाऊं? हाँ समझा ना। बादाम घोटने। क्या कहा? लड़न, लड़न, ओ लड़न। वो लोग आ जाएंगे, चलिए हम वहाँ उनके इंतजार करते हैं। चलिए आइए। आइए पहले आप। आप बिरजू को रिश्ते में इनके मुकाबले के लिए कब तक चैलेंज करने वाले हैं? बहुत जल्द। क्या आप मुकाबला देखने के लिए आएंगी? जरूर आऊंगी। आप जीतेंगे तो आपके गले में पहला हार मेरा ही पड़ेगा। अगर बिरजू जीत गया तो? तो वो हार मेरे हाथों में ही मुरझा जाएगा। आज मैं बहुत परेशान हूँ धनराज। वर्मा, तुम्हारी परेशानियों का इलाज मेरी मुट्ठी में है। वो क्या? मेरे पास एक ऐसा एटॉमिक फार्मूला है जिससे आज तक कोई बच नहीं सका। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। ठीक, ये तो वक्त ही समझाएगा। ओके टाटा। एंथोनी, ये जहर में बुझे हुए चाकू शंकर इनके वार से। शंकर मुझे गलत फहमी थी। गलत फहमी? तुम्हारी गलत फहमी मैं दूर किए देता हूं। ये तेरी शरारत है। Yeah.
जेंटलमैन, अब आज की चैलेंज की कुश्ती शुरू होने जा रही है। ये देखिए, रिंग के अंदर दाखिल हो रहे हैं शेरे हिंद बिरजू पहलवान और अब देखिए उनके पीछे आ रहे हैं इनको चैलेंज करने वाले नए पहलवान शंकर। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस कुश्ती की खास बात ये है कि ये दोनों पहलवान एक ही अखाड़े से निकले हुए हैं। इन दोनों के उस्ताद को कौन नहीं जानता, वो हैं उस्ताद सफदर खान। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस आज की चैलेंज की कुश्ती में कोई राउंड नहीं होगा, ये सीधी आधे घंटे की होगी। जिसका दिल तुमने जीत लिया है, ये फूल नहीं किसी मासूम के अरमान है। वाह उस्ताद वाह, मान गए, लाइलो आज के कुश्ती और जीत लिया दिल। क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा हूं, इस वक्त मैं फरमा रहा हूं। ये फूल, ये खत, किसी ने तुम्हें जीतने की खुशी में ये नाजुक सी चीज मुबारकबाद में दी। मजाक उड़ा रहा है मेरा। मेरे बाबू, अगर लंदन तुम्हें मुबारकबाद देकर तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, ये समझ लो कि हम दोनों बुड्ढे भी तुम्हारा यही मजाक उड़ाने आए हैं। मगर चाचा जी, बेटे, मुबारकबाद के मुस्तहक, तुमने अपने बूढ़े उस्ताद की इज्जत रख ली। बेटे, दुख तो इस बात का है उस्ताद कि मैं जीता क्यों नहीं। और
मुझे खुशी इस बात की है कि तुम हारे नहीं। बेटे, बिरजू कोई मामूली पहलवान नहीं, खुदा की फजल से वो भी इन्हीं हाथों का तराशा हुआ है। आज की कुश्ती जब बराबर रही तो मेरे हौसले बुलंद हो गए। इंशाल्लाह आने वाले दिन मैदान तुम्हारे हाथ रहेगा। जरूर रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। फिर मेरे होते हुए आप लोगों को क्या चिंता है। लड्डन, तुम और शेखर आज ही बाजार चले जाओ और दो मन बादाम, चार मन पिस्ते, छह मन लखनऊ। बस 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 चाचा जी, बस इतना सारा माल मसाला खाते खाते तो मुझे 15 वर्ष लग जाएंगे। अरे तू तो एक चटाक भी नहीं खत्म कर सकेगा। ये सब मेरे शेर शंकर के लिए है, है? तेरी ड्यूटी उन्हें पीसने की है, समझे? चलो चलो चल। अपने लिए फालूदा ले ले जी। शंकर भैया मदद करो, इतने सारे बादाम घोटते घोटते तो मैं खुद ही घुट जाऊंगा, मुझसे बादाम नहीं घोटे जाते। अब एक काम छोड़, चल मैं तुम्हें जानता हूँ, अगर तू बादाम नहीं घोटेगा तो मैं तेरा गला घोटूंगा। ऐसा मत करना, मैं बादाम ही घोटूंगा। चल फिर चलो। अंकल, कहिए अंकल, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कल रात स्टेडियम में शंकर को फूलों का गुलदस्ता पेश करके तुमने अच्छा नहीं किया। खैर छोड़ इन बातों को, अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कहिए। शंकर के घर पहुंचो, उससे दोस्ती बनाओ, यहाँ तक कि उसे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फांस लो। अंकल, और इस बात का ख्याल रहे कि शंकर सुबह शाम अपने उस्ताद की तालीम में किसी वक्त भी न जाने पाए। आप क्या कह रहे हैं अंकल, ये काम मुझसे नहीं होगा। तो ये भी जान लो सीमा, तुम्हारे बाप की जिंदगी का रास्ता फांसी के तख्ते पर खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे पिताजी, तुम्हारे पिता ने खून किया है। खून करने के बाद तो कह चुके हैं कि मैं जानता हूँ। अगर तुमने मेरा हुक्म न माना तो ये समझ लो कि तुम्हारा ये इनकार तुम्हारे बाप की मौत का बाइस बन जाएगा। कैलाश बाबू, आप सीमा को फोन कर दीजिए, उसे सिर्फ इतना कह दीजिए कि वो वैसा ही करे जैसा मैं चाहता हूं। लेकिन तुम उससे चाहते क्या हो, मुझे ये तो बता दो। कैलाश बाबू, आप मेरे दोस्त हैं, आपकी लड़की मुझे अंकल कहती है, आप यकीन मानिए मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे उसकी मासूम जिंदगी खतरे में पड़ जाए। ठीक, मैं उसे फोन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। वरना मुझे ये तो बता दो, मैं इस वीराने में कब तक पड़ा रहूंगा? मैं सीमा से मिलना चाहता हूं। कैलाश बाबू, आप पे कत्ल का इल्जाम, पुलिस की नजरों में आप खूनी। जब तक असली मुजरिम सामने ना आ जाए, मैं समझता हूं आपका बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। ठीक कैलाश बाबू, सीमा को टेलीफोन। हेलो, पुलिस स्पीकिंग। मैं कैलाश बोल रहा हूँ बेटी। पिताजी, पिताजी आप कहाँ हैं? ये ना पूछो, तुम्हें फोन इसलिए कर रहा हूँ कि वर्मा जो कुछ भी तुमसे कहे वही किए जाओ। लेकिन पिताजी, मिस्टर वर्मा। बहस का वक्त नहीं बेटी, मैं जो कुछ कह रहा हूं वही किए जाओ। सावन के नजारे हैं, सावन तेरी की, सावन के नजारे हैं, दिमाग में कुछ खाली होता है। अजी क्या बताऊँ, ये हालत कैसी? अजी पहली मुलाकात से मैं तो बौखला सा गया हूँ, जो कुछ कहना चाहता हूँ कह नहीं पाता, और सुनना चाहता हूँ सुन नहीं पाता। अच्छा, तो इसका इलाज करवाना चाहिए। कीजिए इलाज, कीजिए। मैं अब से कह दूंगी। अब
बावजूद देखिए अब बावजूद को तो आप अखाड़े में रहने दीजिए, उन्हें तो लोगों की सेहत बनाने दीजिए, मेरी सेहत को खराब करने के पीछे तुम गए हैं आप, ये बात तो आपकी और मेरी बीच की है। अच्छा अच्छा समझ गए। सुनिए इधर देखिए, ये चाहता है एक छुरा पर दो 32 बार निकाल दूं, खुद आवारा हो जाए साथ उसे आना बना ना, तुम हो जाओ यहां सामने से और शंकर को साथ लेकर आना, नहीं तो घर में घुसने नहीं दूंगा। नालायक, ये लाले जी आप इस शहर में सब किया है, जब भी कहा फिर तो बाहर घूमने के लिए। तुम भी बड़े अजीब आदमी हो यार, क्या हुआ अगर शंकर एक दिन तफरी के लिए चला गया तो कल 2 घंटे मेहनत ज्यादा कर लेगा। ये साहब गिलाब की बातें नहीं है लाला जी, एक दिन की मेहनत जाया होने से 10 दिन में पूरी नहीं होगी, 10 दिन में पूरी नहीं होगी, और फिर उधर दो मुकाबले का दिन से भरा रहा। शंकर आखिर तुमने मेहनत का एक दिन जाया कर ही दिया, कहां गए थे? जी जरा घूमने चला गया था। खैर ये तुम्हारी पहली गलती है, माफ कर देता हूं, लेकिन याद रहे अगर आइंदा किसी से ऐसी बात हुई तो सख्ती से पेश आऊंगा। जी शंकर के साथ वेजिटेरियन किस्म की मुलाकातें मुझे पसंद नहीं, उसके सामने गाओ नाचो होटलों की सैर तरह बालूम के जलवे दिखाओ या और कुछ। सीमा मुझे तुम्हारी बातों से बगावत की बुआ रही है, मैं ये तेवर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं गारा से चल सकती हूँ, शोलों से गुजर सकती हूँ, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होगा जो तुमने मुझे सौंपा है। और कुछ? आज मेरी आत्मा तड़प कर रह गई जब मैंने शंकर से झूठी मोहब्बत जताई। तुम नहीं जानते शंकर बहुत ही भोला आदमी है, बहुत ही शरीफ। शराफत के पर्दे में बहुत बड़ी ताकत होती है, मैं उसकी शराफत को निशाना बनाकर उसे कमजोर कर देना चाहता हूँ, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं तुम्हारा क्या साथ दे सकती हूँ, मैं तो आप ही मजबूर हूँ। क्या ये ऐसे नहीं हो सकता कि इस काम के लिए आप किसी और को चुन लें? मेरे फैसले मौत की तरह अटल होते हैं सीमा, एक बार फिर सोच लो, अगर इस रास्ते पे तुम्हारे जरा भी कदम तक मजा है तो तुम्हारे बाप की जिंदगी अपाहिज होकर रह जाएगी। आज मैं शाम होने से पहले ही चला जाऊंगा, कल मेरी तालीम में नागा हो गया था इसलिए उस्ताद बहुत नाराज हुए थे। क्या बात है सीमा, चुप चुप क्यों, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, समुंदर की लहरों को देख रही हूँ, कितनी बेकरार है, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कह नहीं सकती, यूं किनारे से सर टकराकर लौट जाती हूँ। तुम्हारी बातें बड़ी अजीब होती है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ लेकिन समझा नहीं सकती, मेरा हाल भी इन लहरों की तरह है। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? बहुत कुछ लेकिन दिल की बात जुबान पर नहीं ला सकती। अच्छा तो फिर लिख कर समझा लो। शंकर चलो कहीं और चलिए। चलो शंकर क्या बिरजू, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो ये तुम्हारी बर्बादी की तरफ जा रहा है। अचानक मुझसे इतनी हमदर्दी इसलिए कि तुम मेरे उस्ताद भाई हो और मैं तुम्हारी तबाही नहीं देखना चाहता। शुक्रिया बिरजू, मैं अपना अच्छा बुरा खुद समझता हूँ। हरे शंकर बात अभी खत्म नहीं हुई, तुम ये मत समझो कि मैं तुमसे डर कर यहाँ आया, मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये लड़की तुम्हें बर्बादी की तरफ लिए जा रही है। डोंट बी जेलस, पहले मैं भी यही समझता था, वक्त आने पर तुम भी समझ जाओ। फिर भी तुमसे
सामने फैल भी सकता है। बेटी,
मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही इल्तिजा है, मेरा शंकर मुझे लौटा दो, उसके रास्ते से हट जाओ, उसके रास्ते से हट जाओ। चुप क्यों होगी बेटी, बोलो जवाब दो, पहली बार तुम्हारे दर पर कुछ मांगने आया हूं, ना मुराद तू वापस नहीं लौटाओगी, बोलो बेटी, बोलो बोलो, चुप ना रहो लीला, चुप ना रहो। सफदर साहब आपको गलत फहमी हुई है, शंकर के रास्ते में मैं नहीं, आपका शंकर मेरे रास्ते में आया है, हटाना है तो उसे मेरे रास्ते से हटा लीजिए, इससे ज्यादा मैं आप कुछ नहीं कहना चाहती, आप जा सकते हैं। ठीक है बेटी, मैं चला जाता हूं, बड़ा बदनसीब बेटी, ना मुराद आया था ना मुराद वापस जा रहा हूं। क्या बात है सीमा, आज अगर मेरे पास जमाने भर की दौलत होती तो तुम्हारी एक अदाकारी को कुर्बान कर देता। वंडरफुल, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब।
तो शंकर की कामयाबी का जश्न होने वाला है। तुम्हें तो आज मातम मनाना चाहिए। सफदर साहब, शंकर की कामयाबी की खुशी जितनी आपको है उतनी ही मुझे। तुम्हें खुशी किस बात की होगी? तुमने तो शंकर को डुबोने में कोई कसर ना उठा रखी थी। आप मेरे बुजुर्ग हैं, पिता समान, जो कुछ भी कहेंगे सब झुकाकर सुन लूंगी। और इसके सिवा तुम कर भी कह सकती हो। अच्छा हुआ जी तुम यहाँ आ गई। आज तो शंकर के सारे दुश्मनों को यहाँ आना चाहिए। आप मेरे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, लेकिन मेरा नाम शंकर के दुश्मनों में शामिल नहीं कीजिए। मैं उसके दुश्मन नहीं हूँ, नहीं हूँ। तुम शंकर की दुश्मन नहीं हो? याद है मैं एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर आया था, मैंने शंकर के लिए तुमसे भीख मांगी थी और तुमने मुझे धुतका दिया था। सफदर साहब, जिस तरह कुरान पर आपका ईमान है इसी तरह गीता पर मेरा विश्वास है। मेरे हाथ में भगवत गीता है और इसी की सगन खाकर कहती हूँ कि मैंने शंकर को दबाने की कोशिश नहीं की, मैं जानबूझकर उसके आड़े नहीं आई। अगर ये सच है तो बताओ तालीम के वक्त तुम शंकर को भटकाए भटकाए क्यों फिरती थी? इसलिए कि अगर मैं ऐसा ना करती तो वर्मा मेरे बेगुनाह बाप को फांसी के फंदे तक पहुंचा देता और मैं बेसहारा हो जाती, अनाथ हो जाती। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे भारी गलती हुई। हालांकि लाला जी ने मुझसे इस बात का जिक्र किया भी था, लेकिन मेरे दिल ने न माना कि तुम बेकसूर हो। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई बेटी, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी अच्छी हो। आओ और जिसमें हम दोनों एक साथ शरीक होंगे। आओ आओ मेरे अजीज मेहमानों, आज हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं पहलवान शंकर को मुबारकबाद देने। इन्होंने अपनी मेहनत और ताकत के बलबूते पर शेर हिंद का टाइटल हासिल किया है। मैं अपनी तरफ से यह हार में पेश करता हूं। अरे लाला जी, आपकी मोहब्बत सराखों पर, मगर इन फूलों का हकदार मैं नहीं हूं, बल्कि वो है जिन्होंने मुझ जैसे मामूली इंसान को शेर हिंद बनाया, वो है मेरे उस्ताद सफदर खान। तुम ठीक कहते हो शंकर, हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी किए देते हैं। उस्ताद सफदर खान! नहीं नहीं लाला जी, नहीं दोस्तों, नहीं मेहरबानों, इस हार, इस जय जयकार का हकदार मैं नहीं हूं, बल्कि ये मिट्टी है जिस मिट्टी ने लाला जी जैसे इंसान को पैदा किया, जिन्होंने मुझ जैसे मामूली किसान को एक सगे भाई की तरह अपने गले से लगाया। जिंदाबाद ये मिट्टी जिसने शंकर जैसे शेर की ताकत रखने वाले जवानों को पैदा किया है, और जिंदाबाद में लोग जिन्होंने अपने खून से इस मिट्टी को सींचा है, और हमें यह सबक दिया है कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, यहूदी, ईसाई सब एक हैं, पर वो लोग हैं ये। से टकराए तारे बन कर डूब गए और सूरज बन के उभर आए। जय जवान जय किसान, जाग उठा है हिंदुस्तान, जाग उठा है हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान,
पहल ने चीर के धरती देश की खाली झोली भर दी, देश की खाली झोली भर दी, अपना खून पसीना देकर भारत की शान ऊंची कर दी, भारत की शान ऊंची कर दी, इसके आगे सर को झुका दो, देश का ये तो है अभिमान, है अभिमान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जाग उठा है हिंदुस्तान, जाग उठा है, जाग उठा है हिंदुस्तान, जय जवान जय किसान। ये बस्ती है वीरों की, ये बस्ती है वीरों की, दुश्मन से कहो होशियार रहे, दुश्मन से कहो होशियार रहे, नापाक निशान उन कदमों का, गौतम के हंसी घर पे न पड़े, गौतम के हंसी घर पे न पड़े। ये बस्ती है वीरों की, ये बस्ती है वीरों की, गांधी भी यहीं, नेहरू भी यहीं, गांधी भी यहीं, नेहरू भी यहीं, सरदार यहीं, आजाद यहीं है, भगत सिंह टीपू भी यहीं है, भगत सिंह टीपू भी यहीं, झांसी की रानी भी यहीं, झांसी की रानी भी यही, और वीर तातिया टोप यही, वीर तातिया टोप यही। ये बस्ती है वीरों की, ये बस्ती है वीरों की, हर एक जवान अब्दुल हमीद, हर एक जवान अब्दुल हमीद, अपने देश की लाज बचाने बच्चा बच्चा होगा शहीद, बच्चा बच्चा होगा शहीद। हम वो मतवाले हैं यारों, जीत लबाजी देकर जान, देकर जान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जाग उठा है हिंदुस्तान, जाग उठा है, जाग उठा है हिंदुस्तान, जय जवान जय किसान। ये है मर्द मराठे सारे, छत्रपति के राज दुलारे, छत्रपति के राज दुलारे, आन की खातिर मरने वाले, आन की खातिर जीने वाले, जीने वाले। जय जवान जय किसान, ये रजपूती आन के मालिक, राणा जी की शान के मालिक, राणा जी की शान के मालिक, राजस्थानी हृदय वाले, अंगारों में पलने वाले, पलने वाले। जय जवान ये बंगाली जिनकी रगों में नेताजी का खून रवा है, बंगाली जिनकी रगों में नेताजी का खून रवा है, इनके दिलों में जोश भरा है, इन जैसा कोई और कहाँ है, और कहाँ है। जय जवान जय किसान, के गबरू ये पंजाबी, रंगी चेहरा चाल शराबी, गबरू ये पंजाबी, रंगी चेहरा चाल शराबी, आंखें तीर और बाजू खंजर, रग रग में है एक बेताबी, रग रग में है एक बेताबी, बांके गबरू ये पंजाबी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जाट तिलंगे सिंधी भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जाट तिलंगे सिंधी भाई, साथ मरेंगे साथ जिएंगे, सरहद पर दीवार बनेंगे, साथ मरेंगे साथ जिएंगे, सरहद पर दीवार बनेंगे। 40 कोटि जर्रे मिलकर आज बने हैं एक चक्का, इसलिए कि पिटे हुए मोरे शतरंज की विसात से नहीं रखते जाते। वर्मा, तुम्हारा कांटेक्ट सिर्फ उस वक्त था जब तक तुम शेर हिंद थे, अब तुम्हारे हाथ से बाजी निकल चुकी है, अब तुम्हारा हट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो मैं जानता था कि तुम लोग गिरे हुए हो, लेकिन इतने भी नीच हो सकते हो ये आज मालूम। बैठ लो। ओहो, टॉप ऑफ द डेविल एंड देयर ही अपीयर्स, आ गए कुत्तों के फौजदार। तुम यहीं बैठो, मैं लेती हूँ जा रहा। सपना
ग्रामीण सीमा नहीं आई उसके बारे में मत पूछिए, उसकी हालत बहुत खराब है। बताया मुझे व्हाट इज दिस दौड़ा दौड़ा दौड़ा, तुमने समझता पहले दिन तुम आया था उस दिन कैसा मारा था वो हल्का था, अब तो पड़ेगा बाल खींच लेगा अंदर तीन है तुम्हारा भी लगा देगा तो चार हो जाएगा ऊपर म्यूजियम में क्या मूर्ति लोग का तुम्हारा मतलब है हमको इजिप्शियन मम्मी बना देगा मम्मी क्या डैडी भी बना देगा ओ मम्मी डैडी ये वर्मा जी जाहिर उस टाइम से झूठ बोला कि उसका भतीजी पागल नहीं है उस टाइम को नहीं बताया हम उसको बिल्कुल कर देना बिल्कुल वो आपको कैसे बता देते कि सीमा पागल है तो फिर आप उसे शादी कैसे करके लेकिन हमको उससे लगा हम उससे शादी करेगा पतली होने वाली है अरे बाप रे इससे भी प्रॉब्लम है तुम्हारी अगर प्लेन का टिकट नहीं मिलेगा तो मैं बाई हॉर्स जाऊंगा लेकिन जाऊं अरे मगर हुआ क्या बदलाव तो है आपने मुझे बताया नहीं कि आपकी भतीजी पर दिमाग का दौरा पड़ता है वो बाल लोचती है हंटर चलाती है रत्ना को पीटती है शी इज एब्सोल्युटली मैड जान को बचते हो रॉकी सीमा पागल हो सकती है और दीपिका मैं पागल हो सकता हूँ जाके देख लीजिए आप अपना मेरे साथ नो नो आई एम नॉट कमिंग इट इज वेरी डेंजरस नो नो प्लीज आंसर दिस इज नो पागल आइए बट अंकल हेलो हेलो माय चाइल्ड हेलो 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 रॉकी अंकल देखिए आप ठीक वक्त पे आए अंकल जब तुम बोलो ना बैठो बैठो रॉकी हम क्या बोलेंगे रॉकी सीमा तुम्हें दीवानी नजर आ रही है बाल खुले हुए चीख रही है रत्ना को पीट रही है मगर अंकल अभी अभी भी अंतर वाली थी अब अंतर क्या है भाई आपका कमाल है मालूम होता है दीवानगी के दौरे सीमा को नहीं रॉकी तुम्हें बढ़ रहे हैं पानी पियो रत्ना मुझे भी कुछ ऐसे ही होता जा रहा है पानी पियो पानी चलो छोड़ बातों को गो हेड मेरे समझ में नहीं आता लारा जी कि जब तिरस्कार बेगुनाह है उन्होंने खून नहीं किया तो वो पुलिस से भागते भागते क्यों इसलिए सफदर के खून ऐसी हालत में हुआ कि एक एक सबूत कैलाश नाथ को गुनहगार साबित करती और कानून सबूत चाहता है सबूत जबानी जमा खर्च नहीं तो फिर तो सीमा की मदद एक ही सूरत में हो सकती है कि आप उसे अपने घर में बुला लीजिए और अपनी हिफाजत में रखिए लेकिन भैया इतनी उलझनों में पड़ने की जरूरत क्या है मैं तो कहूँ जितनी जल्द हो सके शंकर और सीमा की शादी कर दी जाए क्यों भाई और नहीं तो क्या मैं तो कब से सफदर भैया का सर खा रही हूँ मगर यह है कि मानते ही नहीं भाभी शंकर की शादी होगी तो रिश्ते में दमन भरने के बाद वैसे आप लोगों की मर्जी जो चाहे सो करे हम बिगड़ते क्यों यार शादी में तुम्हें करनी है ना मुझे उससे पूछो जिसे शादी करनी है और शंकर बेटे घर जी दादाजी सीमा से शादी करने के बारे में तुम्हारी क्या राय है बोलो बोलो शर्मा नहीं लाला जी जो उस्ताद की राय वही मेरी राय वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले मैं शादी नहीं करूंगा जो छुट्टी हुई बड़े मियाँ से बड़े मियाँ छोटे मियाँ तुम्हारा अल्लाह मैं तो समझती हूँ तेरी शादी उस बुद्धू रॉकी से ही होके रहेगी हरगिज नहीं अगर ऐसा हुआ तो मैं जान दे दूंगी हरगिज नहीं तुम जान नहीं दे सकती तुम्हारी जिंदगी जितनी तुम्हारे लिए कीमती है उतनी ही मेरे लिए भी है शंकर अगर तुमसे शादी का वादा कर भी लेता तो मैं इनकार कर देता इसलिए कि ना उसके खून का पता है ना खानदान का पता है पर अंकल ये तो मुझे तुम्हारे मशवरों की कोई जरूरत नहीं है और आज के बाद तुम्हारी भी इस घर में कोई जरूरत नहीं अंकल सीमा कान खोल कर सुन लो मेरे हुक्म के बगैर अगर एक कदम भी तुमने इस घर से बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जुलिया सपना डब्बू फिरोजा तुम जा सकती कान खोल कर सुन लो अगर आज के बाद सीमा ने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो तुम लोगों के टेले तोड़ दूंगा समझे
खाला जान। चल चल, मुझे बुढ़िया समझ कर पागल बना रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, अब इंसान चांद पे पहुंचने वाला है और अब दिन दूर नहीं जब कमीन का लड़का चांद की लड़की से शादी करेगा। अरे क्या पागलपन की बातें कर रहा है, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब तक तो अल्लाह का फजल है। क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो? वर्मा ने सीमा को घर में कैद कर दिया है। क्या कह रही हो? बस कह रही हूँ खाला, उसने उसके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है और मुझे भी मना कर दिया कि मैं भी उससे न मिलूं। अब क्या होगा? ओहो, इसमें रोने की क्या बात है? अगर सीमा यहाँ नहीं आती तो हम उसके घर पे चले जाते। तरकीब मैं बताता हूँ, सुनो। हेलो रॉकेट भाई, कहाँ गायब हो गए थे? अंकल मैं अपने टेनिस के मैच में बिजी था। बजर बट्टू कौन है? They are not Bajar Battu, they are very great Chachu. I'm sorry, they are great magicians, uncle. Professor Jamali, Bas Kamali, and their assistant Mr. Tikona. क्या बेचते हैं ये लोग? न तो हम बेचते हैं न खरीदते हैं, हम तो एक अजीम साहित्यकार हैं, जिसे आप अंग्रेजी में hypnotist. जनाब, हम जिस आदमी की आंखों में आंखें डालते तो उसका मर्जी भुला दे, सोए हुए को जगा दे, बिछे हुए को मिला दे। जनाब, मैं वो हूँ जो फूलों में अंगारे पैदा कर दूँ, पत्थर को सांस बना दूँ, शोर में खुशबू बहका दूँ, लहरों में बिजली दौड़ा दूँ, होनी को होनी कर दूँ, होनी को होनी कर दूँ, उल्टे को उल्टा कर दूँ। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? क्या तकलीफ है आपको? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अंकल नो नो नो, मैं इनको सीमा के लिए लाया हूँ। इनका चैलेंज है कि अगर इनको दो मिनट मिल जाए तो ये सीमा को ठीक कर देंगे। जी मेरी और सीमा की शादी हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा जो आप चाहते हैं। आई डोंट बिलीव इन दिस। हाँ, मगर तुम्हें अपनी तसल्ली के लिए इन्हें सीमा के पास ले जाना है तो ले जाओ। ओह श्योर, कम ऑन, सब नामुमकिन नामुमकिन। मुक्ति का डाउन तो सांगो। क्या बात है, सीधा भी चाहिए? नहीं नहीं, फिर नहीं चाहिए। हम पहले इस हजरत की तसल्ली करेंगे। देखो ना, कौन कमो रैन, देख हमारी आंखों की, देखो देखो देखिए, 20 लाख मरा पाए पति जी, अच्छी अपना नाम और बोल दो, भाड़ा खोल दो। आप लोग बैठिए ना, बैठिए प्लीज। मेरा ख्याल है हम लोग इन्हें सीमा के पास ओ शो, लेकिन फीस क्या है? नो नो नो, जलाई देता है, लेता नहीं, लेता है। तो आइए आइए मेरे, कम ऑन कम ऑन प्लीज प्लीज, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सीमा, हाँ तो बेटी, क्या तकलीफ है तुम्हें? मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं अच्छी भली हूँ। है बेटी है, तुम्हें बहुत बड़ी तकलीफ है। टिकोड़ा, 50 और 5 कितने होते हैं? 5, 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 5
और मैं लंदन 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 पर मोहब्बत करने में तुम्हारी भलाई है बेटी, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो 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 पाई ने पहचानो पहचानो कौन जी मैं आप मिस्टर रॉकी यानी कि मेरे मंगेतर बेटी बेटी लेकिन तुम अपने मंगेतर को क्यों सताती क्यों सताती हैं आप मुझे कहाँ सताती हूँ मैं आपको मैं तो आपकी पूजा करती हूँ मिस्टर वर्मा जलाली अब वक्त आ गया कि इन दोनों को घूमने का वक्त ओ बाय ऑल मीन डेफिनेटली शो शो रॉकी मैं रॉकी जी के साथ बाहर घूमने बरखुदार बेटा जलाली प्रोफेसर को मत भूलना बेटे मिस्टर जलाली यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब फॉर मी तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया थैंक यू वेरी मच थैंक यू अभी तो मुझे आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम ओ मां
और अब बात यहाँ तक पहुंची कि शंकर का एक साथी भेस बदल कर आया सीमा को साथ ले गया। मैं ये चाल खूब समझता था, लेकिन ये जानते हुए भी मैंने सीमा को साथ जाने दिया सिर्फ ये जानने के लिए कि शंकर और उसके साथियों का प्लान क्या है। लेकिन तुम अब उससे क्या चाहते हो? सीमा शंकर के साथ केदारनाथ के मकान पर है, आप फोन कीजिए तो फौरन घर पहुंच जाए। उसकी शादी रॉकी और सिर्फ रॉकी से होगी। मैं रॉकी से सीमा की शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता। ये शादी नहीं होगी। होगी या नहीं होगी ये मेरे अख्तियार में है। ध्यान रखना, सीमा के बारे में सोच रहे तुम कौन होते हो? उसका बाप जिंदा है। और उसके बाप की जिंदगी मेरी मुट्ठी में, मैं जब चाहूं उसके गले में फांसी का फंदा डाल दूं। कैलाश बाबू, सीमा को फोन कर दीजिए। वन आई नो हाउ टू डायल 100। धनराज, तुम कॉटेज में जाकर शादी का इंतजाम करो। जूलियन, अगर शंकर मेरा पीछा करे तो मुझ तक पहुंचने ना पाए। बहती हवाएं लहरा के आ
चाचा की चिंता छोड़ बेटी, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और फिर तुम्हें अकेले तो नहीं है, उस्ताद हैं, लाला जी हैं और पहाड़ जैसा मेरा शंकर है। कोई ऐसी वैसी बात हुई तो लाला जी सब घर आए। हाँ थामा थामा नहीं बढ़ा के मरमा तुम्हारे पास गाड़ी लेकर आ रहा है, तुम फौरन उसके साथ चली आओ। ठीक है, मैं अभी घर से निकल जाती हूँ। किसका फोन था बेटी? मुझे जाना पड़ेगा, अब मैं एक पल भी नहीं ठहर सकती। सीमा सीमा कहाँ जा रही है? बाहर मत जाना सीमा, बाहर मत जाना। सीमा बाहर चली गई है, मैं जाना उसे किसका फोन आया था। सीमा सीमा क्या बताइए, उसकी जिंदगी खतरे में है। उस्ताद एक मासूम लड़की की जिंदगी का सवाल है, मुझे जाने दीजिए। तो कहो ये तुम्हारा इम्तिहान के दिल है, इच्छा की जाए तो पारित हो जाएगा। ये मेरी जिंदगी का इम्तिहान है उस्ताद, मुझे मत रोकिए, मत रोकिए। हेलो अंकल, बुलाया आपने मुझे? हाँ रॉकी, देखो रॉकी, अभी तक तुम कुछ नहीं हो, ठीक 10 मिनट के बाद लखपति बन जाओगे। पति एंड लखपति बोथ, हाउ लकी आई एम। अंकल थैंक यू। हाँ तो रॉकी, सीमा इन कागजात पर दस्तखत कर चुकी है। मैं चाहता हूँ कि फिटनेस की हैसियत से तुम भी इन पर दस्तखत कर दो। ओह श्योर, व्हाई नॉट। बट अंकल मैटर इज वेरी बिग, इट इज नॉवेल, व्हाट इज दिस, इसमें क्या लिखा हुआ है? कोई खास बात नहीं, चंद अल्फाज हैं, और वो ये कि शादी के बाद भी सीमा की तमाम प्रॉपर्टी और दौलत की देखभाल मेरे ही जिम्मे रहेगी, जैसा कि आज तक होता है। व्हाट होता है? इट इज इम्पॉसिबल, शादी के बाद सीमा की प्रॉपर्टी की देखभाल कौन करेगा? हम उसका हस्बैंड बनेगा ना। डोंट वरी मिस्टर वर्मा, व्हाई डू यू वरी, शादी के बाद हम तुमको भी कुछ माल पानी दे देगा। डोंट वरी, डोंट वरी।
ओके माय चाइल्ड, ओके, विश यू लक, थैंक यू, जा सकते हो। थैंक यू। धनराज इधर आओ। यस वर्मा, दस्तखत करो। मी दस्तखत करो। आज तक तो हम बिजनेस पार्टनर थे, आज रिश्ता भी हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर, थैंक यू वेरी मच। साइन इट। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भरद्वाज मंगलम पुंडरीकाक्ष कर मंगलायतनो हरि। ओम ओ शिवा, यू आर लुकिंग प्रिटी, वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन ऑन दिस पटा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन गेट अवे फ्रेंड। What is this? ये तेरा धनराज के ऊपर बंधेगा। भाई 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 भाई, इसलिए कि उसने कागजात साइन कर दिए हैं। मंत्र पढ़ो। मैडम सुना बेटी। सीमा, इस शादी धनराज के साथ नहीं हो सकती। आखिर ये भाई का क्या होगा? करे दीवानी। हमारा भाई पागल है। मैं अपनी भतीजी की एक दीवाने से शादी करके उसकी जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। वो कहा है, अदारी है, ये शादी नहीं हो सकती। मंत्र पढ़ो पंडित। बैठो बेटा, बैठो, बैठो, जाओ शंकर। मुझ पर एक खून का इल्जाम तो है ही, दूसरा खून
और सही। सीमा को फिर से धन्यवाद। धनराज तुम सीमा को लेकर जाओ, मैं स्टेडियम पहुंच रहा हूं। Thank you.
आप और मेरे साथ। और ये दोनों को बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि शंकर सरवाल अभी तक रिंग में नहीं उतरे। वर्ल्ड चैंपियन ब्लैक टाइगर रिंग में उनका इंतजार कर रहे हैं। शंकर ये तुम्हारा खत। अरे यार मैं पहले ही बहुत जल्दी में हूँ, क्या लिखा है? तुम ही पढ़ लो। शंकर आज तुम्हें हारना ही होगा क्योंकि इस मुकाबले पर हमने बहुत से रुपए लगा रखे हैं और अगर तुमने जीतने की कोशिश की तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। Thank you.
शंकर तू जी